नमस्कार प्यारे बच्चों, बेसिक टू कंप्लीट, बेसिक टू कंप्लीट। देखो बेसिक टू कंप्लीट की हमारी क्लास नंबर 4। आज का जो हमारा विषय है भाज्य और अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य कंपोजिट नंबर होते हैं और अभाज्य प्राइम नंबर होते हैं। देखो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इसके बारे में आज मैं आपको बेसिक से कंप्लीट क्यों ले जाऊंगा, पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा, संपूर्ण जानकारी। भाज्य संख्याएं इनको रूढ़ संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं सॉरी भाज्य को नहीं, भाज्य को यौगिक संख्याएं बोलते हैं और जो अभाज्य है इनको रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। एक और होता है कोप्राइम नंबर भी होता है, सह भाज्य होती है, वो भी बताता हूं, साथ में बताता हूं। सह अभाज्य, सह अभाज्य होती है कोप्राइम नंबर। देखो भाज्य जो संख्याएं होती हैं, एक तो खुद का और एक का तो सभी में भाग जाता है, जिस संख्या में किसी तीसरी संख्या का भाग जाए वो तो सारी होती है भाज्य, और जिनमें केवल खुद का ही भाग जाए और एक का भाग जाए वे सभी होती है अभाज्य संख्या। तो इसमें छोटी छोटी बातें, तो पहले तो सबसे पहले जो पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो तुम्हें 4 बताना है, 4, 6, 8, 9, 10। खुद का और एक का तो सभी में जाता है, किसी अन्य संख्या का यदि भाग जाए वे सभी भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी जो रूढ़ संख्या है वो 2 होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी अभाज्य संख्या होती है, 23, 29 ये सभी अभाज्य संख्या होती है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है, तो तुम्हें बतानी है 2 होती है, ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी समय बचाने के लिए। कई बार आता है कि 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताओ, 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, पहली 7 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो हम लिख के जब इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, काउंट करेंगे, समय व्यतीत करेंगे, तो उसमें हमें समय लास्ट में बचाना है वो नहीं बचेगा। तो हमें एक ही बात याद रखनी है कि जो प्रथम, यदि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा जाता है, ठीक है, तो योग पूछा जाए तो 4 संख्याओं को लिख के चारों को जोड़ोगे तो ये 17 आएगा। यदि 5 का योग पूछा जाता है तो तुम्हें 28 याद रखना है, 6 का पूछा जाता है तो 41 याद रखना है। मैंने भी ऐसे लिख के जोड़ के याद किया, तो तुम्हें ये याद रखने पड़ेंगे। 7 का योग 58 होता है, 8 का योग होता है 77 होता है, 9 का योग यदि पूछा जाए तो 100 होता है, और 10 अभाज्य रूढ़ संख्याओं का योग यदि पूछा जाए तो 129 होता है, क्योंकि आगे एवरेज में बताऊंगा मैं। लेकिन यदि योग की बजाय एवरेज पूछा जाए तो एवरेज औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 4 अभाज्य संख्याओं का योग 17 होता है, यदि पूछा जाए 4 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ तो इसमें 4 का भाग देना है, 5 का औसत पूछे तो 5 का भाग देना, 6 का, तो ये एवरेज होता है। तो एक तो ये चीज याद करो, या फिर याद नहीं करते तो ये लिखनी पड़ेगी और फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, और चूंकि हमें तो समय बचाना, लास्ट में 5 मिनट बचानी है, तो ये याद करो, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अमूमन आता है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 25 में 9 होती है, ये याद रखो, या तो फिर लिख के काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होती है। अब 1 से 50 में फिर पूरी संख्या लिख के जोड़ोगे तो ये याद रखनी है 15 होती है, 1 से 70 में याद करोगे तो ये याद रखनी 19 होती है, 1 से 75 में पूछे तो ये 21 होती है, 1 से 80 में पूछे तो ये 22 होती है, और 1 से 90 में पूछे तो ये 24 होती है, और 1 से 100 तक कितनी रूढ़ संख्याएं हैं ये एग्जाम में आता है तो तुम्हें 25 बताना है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है तो तुम्हें 25 बताना है, ठीक है। और
ये तो तुम्हें याद रखना है, ये जैसे बीच का मैंने रेशियो बना दिया कि जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि 70 और 100 के बीच में, 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी रूट संख्या होती है, तो तुम्हें कैसे बताना है। 1 से 70 तक तुम्हें याद है 19 होती है, 1 से 100 में याद है 25 होती है, तो दोनों के बीच में 25 में 19 घटाओगे तो तुम्हारा आंसर रहेगा 6 संख्या होती है। ठीक है, देखो एक जो अभाज्य संख्याएं हैं इनमें क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अभाज्य में बता रहा हूँ, इधर बता रहा हूँ ये बताना कि भाज्य की बात है, ये अभाज्य की बात है। ठीक है, अभाज्य का क्वेश्चन बताता हूँ कि ऐसे पूछेंगे 7 की पावर 12 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 8 की पावर 9, इसमें क्या पूछेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अब सुनो, अभाज्य गुणनखंड कैसे बताओगे, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें किसी संख्या का भाग ना जाए, खुद को और एक को छोड़ के किसी का भाग ना जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत सोल्व कैसे करोगे कि ये 7 कितनी बार है, 12 बार है। ठीक है, तो इसमें आधार को तोड़ा जाता है और घातों को जोड़ा जाता है, ये बात देखो मैं लिख देता हूं। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में तुम्हें आधार को तोड़ना है, आधार को तोड़ना है तोड़ो, और जो पावर है घातों को जोड़ो, और जितनी बार आधार टूटता है घाते उतनी बार ही जोड़ी जाती है। जैसे देखो ये 7 कितनी बार है, ये 12 बार है। ठीक है, ये 10 कितनी बार है, 5 बार, 10 के फैक्टर बनाओ, आधार के टुकड़े करो, आधार तोड़ो 5 दूनी, ये अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना है। 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 भी होता है, लेकिन अभाज्य टुकड़े में तोड़ोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4, ये 3 बार टूटेगा। तो जितनी बार आधार टूटेगा उतनी बार घाते जोड़ेंगे। 7 कितनी बार है, 12 बार, 12 तो ये हो गया, 7 हो गया 12 बार, ये 10 तो है 5 बार, पर 5 भी 5 बार हो गया और 2 भी 5 बार हो गया, तो 5 ये 10 को कितनी बार तोड़ा हमने, 2 बार तोड़ा है, तो इस घात को 2 बार जोड़ना है, 1 और 2। ये 8 कितनी बार टूट गया, 3 बार, 1 2 3 बार, तो ये जो पावर है इसको 3 बार जोड़ेंगे, 1 बार तो ये 2 किलो हो गई, फिर 2 किलो हो गई, फिर 2 किलो हो गई, तो ये जितनी बार आधार टूटेगा घाते उतनी बार जोड़ेंगे, 2 बार टूटेगा तो 2 बार जोड़ेंगे पावर को, 3 बार टूटेगा तो इसको 3 बार जोड़ेंगे, दैट इज अभाज्य गुणनखंड। 9, 18, 27, 5, 32, 5, 37, 47, 49, 50, तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 49 आएंगे। तो ये क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जाम में आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड में आधार को तोड़ेंगे और घातों को जोड़ेंगे, जितनी बार आधार टूटेगा उतनी बार ही घातों को जोड़ेंगे। इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, इसमें क्वेश्चन आ गया कि जैसे मैं कहूं कि ऑप्शन दे दिए 267, 342, 400, ठीक है 467, 169, जैसे ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। अब जैसे ये रीजनिंग में भी आ सकता है और मैथ में भी। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें पूछेंगे कि कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या, तो चूंकि अभाज्य संख्या कौन सी है तो इसके लिए हम क्या नियम अप्लाई करेंगे कि हमें पता होता है कि 2 से भाग कब जाता है, 3 से 4 से 5 से 10 11, यानी कि 11 तक तो हम देख सकते हैं, लेकिन वो संख्या पता ही नहीं कि वो 93 से भाग जा रही है, 76 से 72 से 71, तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो इसमें तुम्हें 2 स्टेप लेने हैं, सबसे पहले नजदीक की वर्ग संख्या लेनी है, नजदीक की वर्ग संख्या लेनी है, और दूसरी बात है जो भी नजदीकी वर्ग संख्या है उससे छोटी 2 अभाज्य संख्या का भाग देखकर देखेंगे। देख ये तो 2 स्टेप बताता हूं मैं, ये देखता हूं ये है कि ना है, क्योंकि ये तो पता है 6, 7, 13 और 2, 15, क्योंकि 15 में भाग जाता है किसका, 15 में 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 15 3 3 का नियम होता है कि अंकों का जोड़ यदि 3 के पाड़े में आए। इसमें देखेंगे 4 3 7, ये 343 107 का घन होता है, तो ये कॉमन चीज तो हमें पता ही होता है। ठीक है, मैं कहूं कि 167 देखो, क्या 167 है, 169 है, तो कैसे देखते हैं, जैसे 167 अभाज्य है या भाज्य है, 167 के नजदीक वर्ग संख्या लो, 14 का वर्ग होता है 196, तो ये तो ऊपर चला गया, 13 का वर्ग होता है 169, ये भी ऊपर चला गया, तो 12 का वर्ग है ना, ये नजदीक है इसके, इससे छोटा लेना है, तो 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, अब 12 से छोटी 2 संख्या ले लो अभाज्य, एक तो हो गई 11, ठीक है, और 11 से छुट्टी क्या हो गई 7,
सात से छुट्टी होगी, पांच तीन दो ये होगी। तो दो का नियम पता है, इकाई के स्थान पर जीरो दो चार छह आठ होना चाहिए। तीन का नियम है अंकों का जोड़ तीन के बारे में आना चाहिए। पांच का नियम है जीरो या पांच होना चाहिए। सात का नियम होता है कि इकाई के अंक का दुगुना करके सही संख्या में घटाओ। तो सात, सात का दुगुना कितना होगा चौदह, चौदह को सोलह में से घटाएंगे दो बचेगा, तो ये सात से डिवाइड नहीं है। ग्यारह का नियम होता है इसका इसका जोड़ इसके बराबर आना चाहिए, ये नहीं। तो ये एक अभाज्य संख्या, इसके नजदीक वर्ग संख्या लेकर उससे छोटी दो अभाज्य संख्या का भाग देखकर देखेंगे। यदि भाग जाता है तो दिस इज कंपोजिट नंबर, अदरवाइज दिस इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि यह अभी आया था एग्जाम में, तीन अभाज्य संख्याओं का योग, वो क्रमागत नहीं है कोई भी हो सकते, तीन अभाज्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 100 है, 100 है, और इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? देखो ऐसा क्वेश्चन एसएससी लेवल पे आता है, ठीक है। तो चूंकि हम बेसिक से कंप्लीट की तरफ जाएंगे तो और ऊपर लेवल तक जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया, तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है? एक बात तो ये ध्यान रखना आपको कि टोटल योग 100 है, संख्याएं हमें तीन बनानी है। देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अभाज्य संख्या है, तो जब तीन संख्याएं दी गई हो, चाहे वो सम हो विषम हो प्राकृत हो भाज्य अभाज्य, तो जो तीन संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या आपको सबसे छोटी वाली संख्या माननी है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी दो होती है, तीन संख्या बतानी है अलग अलग सौ में डिवाइड करना है, तो तीन में से एक संख्या आपको जो सबसे छोटा नंबर होता है वो मानना है, प्राइम नंबर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो होता है, ये मान लिया हमने। अब बाकी दो संख्या कैसे निकालेंगे? इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो एक संख्या एक्स है तो दूसरी 36 अधिक हो गई, तो एक्स प्लस 36 हो गई। अब इन एक संख्या तो दो मान ली सौम्य से, ये दो संख्याओं का योग क्या हो गया? क्योंकि एक संख्या तो सौम्य से हमने दो मान ली, तो इन दोनों का योग 98 हो गया, क्योंकि दो तो हमने निकाल दी बाहर सौम्य से, दो संख्याओं का योग 98 हो गया, एक दूसरी 36 अधिक है, तो इनका योग बराबर हो गया 98 98। एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, ये 36 जमा के उधर जाएंगे तो माइनस के हो गई, ठीक है। तो 2x बराबर ये हो गया 62, एक्स निकालेंगे 31 2 62, ये दो यहां फोन में जाएगा, ठीक है। तो 31 2 तो एक्स, तो पहली संख्या तुमने एक्स माननी है, एक एक्स प्लस 36 है, और एक तुमने दो मान रखी है, एक्स का मान आ गया 31, तो ये संख्या तो हो गई 31, और 31 और 36 हो गई 67 67, और तीसरी हमने मान रखी है तो बड़ी कुछ सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा आंसर रहेगा 67 67। अब एक बात ये ध्यान रखनी है तुम्हें कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर होते हैं कि वे संख्याएं होती हैं, सह मानी साथ, अभाज्य के साथ रहने वाली संख्या सह अभाज्य हो गई, वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ एक होता है, यानी कि जो किसी एक संख्या से नहीं घटते। कॉमनली हम बात करें तो ये याद रख सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो किसी एक संख्या से नहीं कटती, और जब एक संख्या से नहीं कटेंगी तो उनका महत्तम एक होता है। हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है जो महत्तम है एक, और महत्तम एक जब होता है जब वो दोनों किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होते। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो ऑप्शन है वो सहभाज्य है। तो सहभाज्य मैंने बताया था कि यदि दोनों एक संख्या से नहीं कटती तो वे आपस में कोप्राइम होती है, सहभाज्य होती है। जैसे ऑप्शन दे दिया हमें 4 64, ठीक है, बी ऑप्शन में दे दिया 19 361, सी ऑप्शन दे दिया 18 25, और डी ऑप्शन में हमें दे दिया 9 81। तो अब देखो हमें कोप्राइम नंबर बताने हैं, सहभाज्य बताने, चार ऑप्शन हमारे पास, तो ये दोनों चार से कटती है, इनका महत्तम 4 आ जाएगा, क्योंकि महत्तम हमेशा दोनों संख्या महत्तम से कटती है। 19 का वर्ग 361 होता है, तो ये दोनों 19 से कटते हैं, ये भी सहभाज्य नहीं है।
81 ये भी सहभाज्य नहीं है। तो सहभाज्य जो संख्याएं जो एक संख्या से नहीं कटती वे सहभाज्य होती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि 18 तीन से कटेगा, ये पांच से कटेगा, ये दोनों एक से नहीं कटती। इन दोनों का जब महत्तम निकालोगे तो इनका महत्तम एक ही आएगा, क्यों एक इसलिए आएगा एक से ही दोनों कटेंगे, बाकी किसी से नहीं कटेंगे। तो सहभाज्य संख्याएं भी होती है जिनका महत्तम एक होता है या दोनों एक संख्या से नहीं कटते, ये होती है सहभाज्य। इसमें मैंने बिल्कुल शुरू से आखिर तक की सारी बातें बता दी। इस क्लास में आपको केवल भाज्य और अभाज्य के बारे में बेसिक से कंप्लीट की तरफ गए हम। इसमें एक लास्ट बात ध्यान रखनी है, एक वन ऐसी संख्या होती है, ये पूछा जाए कि एक ऐसी एक कौन सी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य। एक वन एक से सौ में एक ऐसी संख्या है, वन ऐसी संख्या है, पहली छोटी प्राकृत संख्या एक ऐसी संख्या है जो न भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। अब जैसे भाई देवी तुमने यहां याद कर लिया कि 1 से 25 में अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो मैंने बताया 9 होती है। 1 से 25 में टोटल संख्याएं होती हैं, टोटल संख्या होती है 25। और 1 से 25 में अभाज्य, अब मैं अभाज्य और भाज्य चाहता हूं देखो, तो अभाज्य मैंने बता दी 9 होती है, ये होती है अभाज्य। और मैं कहूंगी 25 में भाज्य कितनी होती है, तो तुम सीधा सीधा 25 में 9 घटाओगे 16 करोगे, लेकिन तुम्हें 16 नहीं करना, तुम्हें करना है 15। क्यों 16 क्यों नहीं करेंगे, कि इसमें 1 से 25 में 25 संख्याओं में 9 अभाज्य हैं, तो 15 भाज्य है, एक संख्या ऐसी बच गई, कौन सी, एक, वन, सबसे छोटा नेचुरल नंबर एक, जो न भाज्य होती है न ही अभाज्य होती है। तो भाज्य आपको 15 बतानी है, अभाज्य 9 बतानी। उसी तरह ये सारे ना एक कम कर लेना, ठीक है। एक से सौ में यदि आपने अभाज्य 25 बताई है तो भाज्य 75 नहीं बताना है तुम्हें, तुम्हें बताना है 74। भाज्य संख्या एक से सौ में 74 होती है, क्योंकि एक वन नंबर ऐसा है जो न तो कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है। इस क्लास को बंद करके पढ़ना, आपका भाज्य अभाज्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।